राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है। दोनों का साथ में पहला कोलैबोरेशन है। ट्रेलर के बाद फिल्म के गाने आए, अलग अलग तरह के रिएक्शंस ट्रेलर देखने के बाद और गाने सुनने के बाद लोगों ने दिए कि किसी को फिल्म का इंतज़ार था, कोई कह रहा था कि बहुत कमाल की फिल्म होगी, दोनों का कोलैबोरेशन बहुत कमाल का होगा, किसी को ट्रेलर देख के बहुत एवरेज सा ट्रेलर लग रहा था। अब हम आ गए हैं फिल्म देखने, हमने फिल्म देख ली है, हमारी क्या राय है ये तो आप हमारे रिव्यूज़ में और हमारे लाइफ में जान ही लेंगे, लेकिन जनता की क्या राय है, उनको ये कोलैबोरेशन कैसा लगा, क्या राजकुमार हिरानी अपना मैजिक चला पाए या नहीं चला पाए, क्या शाहरुख खान का एक बार फिर वो रोमांस वाला अंदाज लोगों को पसंद आया या नहीं आया, क्योंकि शाहरुख ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि पठान और जवान मैंने लड़के लड़कियों के लिए बनाई थी और ये फिल्म मैंने अपने खुद के लिए बनाई है। तो अपने खुद के लिए बनाई गई ये फिल्म लोगों को कैसी लग रही है, चलिए लोगों से जानते हैं। राजकुमार हिरानी मैजिक नहीं कर पाया अपना, ज्यादा अच्छी नहीं लगी, इतनी पैथेटिक मूवी थी ना, दोबारा नहीं झेल सकते। शाहरुख खान की मूवी थी तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट उतना था नहीं। ऐसा लग रहा था कि पहले कुछ कुछ देखी हुई सी है, लाइक स्टोरी वाज नॉट ग्रेट। कैसी लगी सर फिल्म? ज्यादा अच्छी नहीं लगी। क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा? स्टार कास्ट बहुत अच्छी है और सबकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, टॉपिक जरा सीरियस था। कैसी लगी सर? शाहरुख खान की मूवी थी तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट उतना था नहीं। सेम, क्या आपको काफी अच्छा था, बट जो रियलिटी दिखाई है उसके हिसाब से मतलब मूवी सो सो है। ठीक, थैंक यू। कैसी लगी सर फिल्म? इट वाज गुड। क्या अच्छा था? तो शाहरुख खान वन एंड ओनली, गाने और एक्टिंग तापसी, इट वाज गुड, इट वाज गुड। कैसी लगी? राजकुमार हिरानी मैजिक नहीं कर पाया अपना, बट अब एक शाहरुख खान फैन आई एम, सो नो रिग्रेट्स। नॉट अमेजिंग। कैसी लगी? बेहतरीन पिक्चर है, फर्स्ट क्लास एकदम, शाहरुख खान की जबरदस्त एक्टिंग और राजकुमार ने कमबैक। कैसी लगी? इट वाज गुड, अच्छी थी। राजकुमार हिरानी सर का मैजिक तो रहा ही है हमेशा की तरह, एंड इट वाज वर्थ द वॉच, ऑल्दो स्टार्टिंग में जो स्टोरी बिल्डअप हुआ वो बीच में जाके थोड़ा आफ्टर इंटरवल स्लो हो गया, बट स्टिल द इंटरेस्ट वाज ऑन देयर, लाइक इट्स अ वर्थ वॉच इन माय ओपिनियन। एवरेज ठीक है, इट वाज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस आई वुड से, बट हाँ यू कैन जस्ट सी फॉर इट, बट आई वुड से बजरंगी भाईजान इज स्टिल द टॉप मोस्ट। कैसी लगी आप? काफ़ी अच्छी थी, मिक्स इमोशंस, ड्रामा एंड ओवरऑल इट गुड मूवी एंड मस्ट वॉच। वेरी नाइस, किंग हैज डन इट अगेन। बहुत ही बेकार मूवी थी, बस मैं अपने पति के साथ आई हूँ क्योंकि ही शाहरुख खान फैन, लेकिन इतनी पैथेटिक मूवी थी ना, दोबारा नहीं झेल सकते। राजकुमार हिरानी मैजिक कहीं मिसिंग लगा? बहुत ज़्यादा मिसिंग था, और आई थिंक ये ओल्ड कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, ऐसा लग रहा था कि पहले कुछ कुछ देखी हुई सी है, लाइक स्टोरी वॉज नॉट ग्रेट, इट्स अ ओल्ड स्टोरी। थैंक यू। कैसी थी सर फिल्म? ठीक है। क्या अच्छा लगा आपको फिल्म? सब्जेक्ट अच्छा है और ट्रीटमेंट ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये राजकुमार हिरानी की फिल्मों में सबसे सीरियस फिल्म है। सबसे खास बात ये, राजकुमार हिरानी लाइट ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं, इस बार उन्होंने काफ़ी सीरियस ट्रीटमेंट किया है और उसमें लाइट मोमेंट्स अगर कोई बहुत ज़्यादा खोजने जाएगा तो उसको थोड़ी निराशा लग सकती है, लेकिन फिल्म अच्छी है और काम अच्छा है। विकी कौशल ने बहुत छोटे से रोल में बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम, सबसे अच्छा मतलब आपको नोटिस जो रह जाता है फिल्म के साथ में विकी कौशल का काम है। बाकी शाहरुख का काम अच्छा है, लेकिन पठान और जवान एक्शन फिल्में थी, एक्शन दो धमाकेदार एक्शन फिल्में देने के बाद एकदम बहुत पुराने ढंग के शाहरुख लौटे हैं, तो पता नहीं लोग कैसे रिसीव करेंगे। मैं नहीं जानता ये ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं, लेकिन फिल्म अच्छी है, वन टाइम वॉच जरूर है, देखी जा सकती है। अच्छी थी मूवी। राजकुमार हिरानी इज अ ग्रेट डायरेक्टर, वी ऑल नो दैट, और शाहरुख खान की एक्टिंग तो है ही, बट थोड़ी सी लंबी लगी, गाने थोड़े से ड्रैग थे, बाकी मूवी अच्छी थी, 3 स्टार्स देंगे। सबसे अच्छा क्या लगा? शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन, बाकी ऐसा कोई फेवरेट सीन ऐसे फिल्म से? वही डंकी वाले लास्ट वाले सीन जो मतलब एज रोल जो दिखाए थे वो ज़्यादा अच्छे थे, बाकी मेरा कोई डायलॉग याद है फिल्म का जो एकदम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? हमार नो हमार, वो दुबई वाला डायलॉग चल रहा था एंड में, वो अच्छा लग रहा था, बाकी तो ठीक। थैंक यू। हाँ, क्या अच्छा नहीं लगा? गाने थोड़े से लंबे लगे जो कि हटाए जा सकते थे या छोटे हो सकते थे, बाकी तो ठीक। फर्स्ट हाफ में मैं कहूँगा थोड़ा मतलब कॉमिक वाइज थोड़ा कम लगा, और फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगा, मतलब बिल्डअप हो रहा था इसलिए मे भी ऐसे कह सकते हैं, बट सेकेंड हाफ वॉज रॉकिंग, मतलब शाहरुख खान ने जो मतलब फर्स्ट हाफ के बाद जो कम बैक हुआ है, मतलब दैट्स अप्रिशिएबल आई थिंक। और बस वही है, विकी कौशल का बहुत बड़ा मतलब था तो छोटा ही रोल, बट ही
शोड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द होल स्टोरी. और बेसिकली मतलब भाई राजकुमार हिरानी का हमेशा से क्लासिक रहा है कि यू नेवर एक्सपेक्ट, मतलब इट्स जस्ट अनएक्सपेक्टेड व्हाट यू सी. सो हाँ, देखा जाए तो काफ़ी मज़ेदार मूवी थी. गाने कैसे लगे? गाने तो मतलब बढ़िया थे, शुरुआत से ही चल रहे हैं वो तो. अब स्टार्टिंग से ही जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी उससे पहले गाने चल रहे थे और मतलब काफ़ी एंथुजियास्टिक गाने हैं, मतलब अच्छे लगे काफ़ी. फेवरेट सीन कौन सा है फिल्म से? फेवरेट सीन जब वो जो चर्च वाला सीन होता है जहाँ पर वो उसको तापसी को किस करने के लिए शाहरुख खान फिर सबको मारता है, लास्ट में जब फादर इधर उधर भागता है फादरी के पीछे, दैट वाज आई मीन इट वाज एन अमेजिंग सीन. तो जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है उनके लिए स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ये रेफरेंस समझ में आएगा.